Assalamu alaikum everyone, this is Abdullah Shami with you and today we are going with the paper 1. नए pattern के हिसाब से paper 1 है, AS level sociology का part component कहा जाता है और आज हम जिस topic पर बात करने जा रहे हैं that is all about socialization, the creation of social identity. ये एक ऐसा topic है जिसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत सारे problems होते हैं, बहुत सारे बच्चों को उसमें से sociologist समझ में नहीं आ रहे होते. तो आज की क्लास में मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं बहुत सारे जो sociologist हैं उनके ऊपर बात करूं और हर topic के हवाले से कुछ आसान आसान sociologist आपके साथ share करूं. तो सबसे पहले अपने registers को निकाल लीजिए और you need to do next very important thing, you need to point out each and everything. जो sociologist मैं आपसे discuss कर रहा उन सोशियोलॉजिस्ट को आप लाजमी उनके बारे में लिखें, मैं आप उनके जो थॉट्स शेयर कर रहा हूं आपके साथ. एंड द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि अगर कोई टेडी मेडी स्पेलिंग है तो मैं आपसे स्पेलिंग भी शेयर कर लूं, तो दैट वुड बी गुड फॉर यू. इसके अलावा मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आज मैं सोशलाइजेशन के टॉपिक के हवाले से जितने भी टॉपिक्स सब टॉपिक्स हैं उन सबको डिस्कस करता हुआ जाऊँ. देखिए जी, इफ यू टॉक अबाउट पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स के हवाले से मैंने अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है. अगर आपके पास आपकी ग्रुप से मौजूद होंगी, अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे मांग भी सकते हैं, आई विल डेफिनेटली शेयर इट विथ यू. पर्सपेक्टिव एक बिल्कुल डिफरेंट एक डिफरेंट टॉपिक है, तो हमने उसकी अलग से वीडियोस बनाई हुई हैं, 4-5 पार्ट्स में डिफरेंट वीडियोस बनी हुई हैं. अभी जो हम बात करेंगे सोशलाइजेशन के हवाले से, सोशल कन्फॉर्मिटी नॉन कन्फॉर्मिटी के हवाले से, सोशल आइडेंटिटीज़ के हवाले से एंड सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी के हवाले से बात करेंगे, ठीक है जी. तो सबसे पहले अल्लाह ताला के नाम से शुरू करते हैं और सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी से बात का आगाज़ करते हैं, ठीक है जी. तो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, अगर हम क्रिस लाइवेज़े की बात करें तो क्रिस लाइवेज़े का पहला टॉपिक सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है, ठीक है. अब देखिए थोड़ा सा इस की टर्म को वी नीड टू डिवाइड दिस की टर्म, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी. ओके, सोशल मीन्स सोसाइटी, कंस्ट्रक्शन मीन्स डेवलपमेंट, रियलिटी मीन्स व्हाट इज रियल विद इन द सोसाइटी. इट मीन्स अगर मैं कहूँ व्हाट इज रियल को मैं इन्वर्टेड कॉमास में लिख दूँ, ठीक है, तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि व्हाट इज रियल इज सोशली कंस्ट्रक्टेड, यानी कि हकीकत जो है, रियलिटी जो है, वो सोसाइटी अपनी खुद क्रिएट कर रही होती. ठीक, अब चले इस हवाले से कुछ अजम्पशंस ले लेते हैं. अजम्पशन नंबर 1, नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग. दुनिया में कोई भी चीज़ फिक्स्ड और अनचेंजिंग नहीं है, सही. जब मैं कहता हूँ दुनिया में कोई भी चीज़ नथिंग इज फिक्स्ड और अनचेंजिंग, इट मीन्स दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ नेचुरली अकरिंग नहीं है कि एक चीज़ मैं कहूँ कि ये चीज़ इस तरह से होती है और वो हमेशा से वैसे ही होते हुए आ रही है, हर सोसाइटी में वैसे ही होती है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, ठीक है. तो सोसाइटी के अंदर दरअसल अगर मैं कहूँ नथिंग इज़ फिक्स्ड और अनचेंजिंग और नेचुरली अकरिंग, और इसके साथ साथ अगर हम दूसरी जो बात करते हैं, देयर इज़ अ द चेंज इज़ अ कांस्टेंट फिनोमेना विद इन द ह्यूमन सोसाइटीज. सो चेंज जो होता है वो कांस्टेंट एक ह्यूमन फिनोमेना के तौर पे नज़र आता है. इट कुड बी हिस्टोरिकल चेंज और इट कुड बी अक्रॉस कल्चरल चेंज. यानी कि हिस्टोरिकल चेंज का मतलब है टाइम टू टाइम चेंजेस हो रही हैं, एंड क्रॉस कल्चरल चेंजेस स्टैंड फॉर सोसाइटी टू सोसाइटी. इफ़ यू टॉक अबाउट हिस्टोरिकल चेंजेस, वी कैन रेफर टू द प्री मॉडर्न सोसाइटी, टू द मॉडर्न सोसाइटी, and modern society, the post-modern society. Okay, so we can refer this idea that the pre-modern societies were the theological societies where there's a rule of religion, and the modern societies were based on science, scientific approaches, and it's more about the positive societies, or between the theological and positive society there's something which is called metaphysical society. This is a time where the science challenges the religion, and afterwards we can say that the post-modern era, which is all about the era which is based on narrative rather than meta-narrative. The postmodern era opposes all the meta-narratives, and they argue that there are multiple truths available in the society. Okay. So if you talk about this idea of the social construction of reality, it means nothing is fixed or unchanging. The change is a constant phenomena on historical and cross-cultural basis. If you talk about the cross-cultural exam, if you talk about the cross-cultural example, there are a lot of values, beliefs, and customs and rituals which are totally different from if you talk about the customs of the Asian societies and the customs of the European societies, a lot of customs, traditions, norms, and languages are different.
So we can say this thing, the reality is not fixed. The reality is socially constructed. The society used to construct the reality by his own self. Okay, so we can say this thing that the reality is not fixed. It's not a fixed idea. The reality is constantly changing. Okay, so if you're talking about this reality is constantly changing, it means there is a reality is changing from society to society. If we compare two societies, society A or society B, there's a constant change in terms of the values. There's a constant change in terms of the norms, customs, rituals, and everything. So you can refer with this particular idea. Okay, now we move forward and we need to understand the concept of culture. If you want to know some more about the social construction of reality, we need to understand the term culture, because culture is a key phenomena which is constantly changing time to time and society to society. Okay, if we are going to explain that, if you just want to define the culture, we need to refer to the Jenks ki spelling kya hai? J-E-N-C-K-S. Jenks ki spell, Jenks ne culture ko define kiya tha. According to Jenks, culture define the whole way of life in of a society. You can say ke bhai jo aapki society ki puri life hoti hai wo aapka culture represent kar raha hota hai. Theek hai ji, to it could be a sum of knowledge, beliefs, languages, values, norms, customs, traditions, art and music. ये पूरा जेंक्स के एलिमेंट में आ जाएगा कि इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द सोसाइटी कल्चर, आप कहोगे जेंक्स आर्ग्यूज दैट द कल्चर रिप्रेजेंट द होल वे ऑफ लाइफ ऑफ अ सोसाइटी, इट इज़ अ सम ऑफ नॉलेज बिलीव्स लैंग्वेजेस वैल्यूज नॉर्म्स कस्टम्स ट्रेडिशंस एंड आर्ट्स एंड कल्चर. तो आप इसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे, दैट वुड बी द मोस्ट ईजीएस्ट थिंग फॉर यू. इसके बाद अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं, तो हमारे पास जो दूसरे सोशियोलॉजिस्ट आते हैं उसमें हमारे पास गिडन्स आते हैं. अकॉर्डिंग टू गिडन्स, विदाउट कल्चर देर इज़ नो आइडेंटिटी इन द ह्यूमन सोसाइटीज. सोसाइटी के अंदर जो आइडेंटिटी क्रिएट होती है वो कल्चर के थ्रू होती है. ठीक है, आपकी आइडेंटिटी, अगर मैं आप लोगों को याद हो, मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी का जो पूरा एक क्रिएट करके दिखाया था चार्ट, तो उसके अंदर मैंने बताया था कि भाई आपकी एक सोशल आइडेंटिटी के साथ जो लिंक होती है, सबसे पहले चीज़ का उसके साथ आपका रोल होता है, उस रोल के साथ आपका पर्टिकुलर कल्चर होता है, उस कल्चर के साथ आपकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी स्टेटस क्रिएट होता है. ठीक है, तो इफ़ यू टॉक अबाउट द गिडन्स आर्ग्यूज दैट विदाउट कल्चर देर इज़ नो आइडेंटिटी. ठीक है, अब कल्चर के अंदर भी बहुत सारी वेरिएशंस नज़र आती हैं हमारे पास. ठीक है, देखिए अगर मैं मार्क्स फंक्शनल, अभी यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं डिफ्रेंशिएट करता हूँ, बुक से थोड़ा सा मैं हटूँगा आपकी लेवल से थोड़ा सा हट के, तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ. अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द फंक्शनलिस्ट ऑलवेज सपोर्ट्स द कल्चर, दे ऑलवेज टॉक अबाउट द फंक्शंस ऑफ कल्चर विच इज़ ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग. ठीक है, कि फंक्शनलिस्ट हमेशा कल्चर की फंक्शंस की बात करेंगे. व्हाइल ऑन द अदर हैंड इफ यू टॉक अबाउट द मार्क्सिस्ट, अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट द कल्चर इज गोइंग टू क्रिएट द क्लास डिफ्रेंसिएशन विद इन द सोसाइटी ऑन द ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ द एलीट सब कल्चर एंड द मास कल्चर सब कल्चर. सो इट मीन्स के सोसाइटी के अंदर जो डिफ्रेंसिएशन और स्ट्रेटिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस वो कल्चर क्रिएट कर रहा है. ठीक है, अब थोड़ा सा अगर हम बात करते हैं हाई कल्चर के हवाले से, इफ़ यू टॉक अबाउट, अच्छा इट डिपेंड्स ऑन सोसाइटी, इन सम सोसाइटीज हाई कल्चर देर आर सम डिफरेंट हाई कल्चरल वैल्यूज, इन सम सोसाइटीज देर आर सम डिफरेंट हाई कल्चरल वैल्यूज. लेट्स सपोज इफ यू टॉक अबाउट यूरोपियन सोसाइटीज, द शेक्सपियर प्लेज आर कंसिडर्ड एज अ हाई कल्चरल एलिमेंट, paintings is all about the high cultural value, high cultural norms and values. And if you talk about the Asian society, they are totally different. Okay, so it's more about the, if you move forward, if you talk about the mass or popular culture, the mass culture ko yaad karne ke liye zehen mein cheez rakh lo ki mass culture is linked with the mass production. Okay, mass production ka matlab ye ki wo ek cheez jo bahut sari zyadat mein ban rahi hai. Dekho, if you talk about the high culture or elite culture, it's more about customization. Okay, but if you talk about the mass culture or the popular culture, it's more about the idea of the mass production. ek aisi cheez jo bahut wafer maqdar mein society mein maujood hai, log consume kar rahe hain usko. theek hai, acha iske alawa bahut bhi bahut sare subcultures hamare paas create hote hain. you can refer this thing with the culture, the class element also. okay, there is something which is called फोक कल्चर. सही है, फोक कल्चर क्या होता है कि भाई दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ कल्चर ऑफ ऑर्डनरी पीपल.
जिस जो जो यू कैन से द स्ट्रीन आर्टी की अप्रोच को लेके आ जाते हैं. अकॉर्डिंग टू स्ट्रीन आर्टी द फोक कल्चर यूज टू रिप्रेजेंट द एवरी डे लाइफ ऑफ द इंडिविजुअल. इंसान की जो एवरी डे लाइफ होती है उसको फोक कल्चर रिप्रेजेंट कर रहा होता है. उसमें उसका फोक म्यूजिक आ जाता है, उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी आती है, डिफ्रेंशिएटेड आइडेंटिटी आ जाती है. स्ट्रीन आर्टी का कहीं भी नाम आ जाए ना, ध्यान में रखिएगा उसने डिफ्रेंशिएशन ऑफ इंडिविजुअल की बात की, कि हर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ है और हर इंसान का और दूसरे इंसान से सोचने का जाविया मुख्तलिफ हो सकता है. तो इस चीज को स्प्रिंगार्टी ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया है अपनी बहुत सारी थ्योरीज के अंदर. ठीक है जी, तो अगर हम सोशल कंस्ट्रक्शन, अब ये जो चीज़ है कल्चर वाली जो चीज़ है, अब ये आइडेंटिटी में भी लिंक कर सकते हैं आप इसको, आप कन्फॉर्मिटी नॉन कन्फॉर्मिटी में भी एक तरह से लिंक कर सकते हैं. ये थ्योरीज जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किए, जेंक्स डिस्कस किया, गिडन्स डिस्कस किया, मैंने स्ट्रीन आर्टी आपके साथ डिस्कस किया, तो ये तमाम एलिमेंट्स आप उसको मुख्तलिफ जगहों पर यूज़ कर सकते हैं. ठीक है जी, इफ़ यू मूव फॉरवर्ड टू द अनदर पार्ट ऑफ द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी, जिसको हम वाइटल पार्ट कंसिडर कर सकते हैं, दैट इज़ ऑल अबाउट द वैल्यूज़. वैल्यूज़ इज़ ऑल अबाउट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सोसाइटी. ठीक है, किसी भी सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को हम वैल्यूज़ का नाम देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास इसके अंदर एक बड़े इंपॉर्टेंट सोशियोलॉजी आपसे डिस्कस करता हूं, जो आपको ये जो वैल्यूज की बात कर रहा हूं वही वाली बात कि कन्फॉर्मिटी नॉन कन्फॉर्मिटी में भी आप इसको रेफर करेंगे. ठीक है जी, फ्रांसिस लोकोकवा जो सोशियोलॉजिस्ट हैं, स्पेल कर देता हूं आपके लिए, FRANCIS LOH, फ्रांसिस LOH लो स्पेस कोक KOK कोक वा WAH फ्रांसिस लोकोकवा कहते हैं कि मैनी कल्चर्स वैल्यू फ्रीडम जस्टिस सॉलिडारिटी. अब क्या होता है, दीज वैल्यूज स्टेम फ्रॉम अ बिलीव इन अ सुपीरियर मॉरल फोर्स सच एज गॉड. यानी कि एक्चुअल के अंदर एक मॉरल फोर्स होती है. ठीक है, अब वही स्ट्रक्चरलिज्म वाली बात कहीं ना कहीं लिंक हो रही है इसके अंदर. लेट सपोज खुदा ने क्या क्रिएट किया, आपको कहा कि भाई जस्टिस एंड सॉलिडारिटी वाली सोसाइटी क्रिएट करो. ठीक है, कहते हैं कि कुछ सोसाइटीज़ की कुछ चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि उनका वैल्यू फ्रीडम हो गया. ठीक है, वैल्यू फ्रीडम का मतलब क्या हो सकता है कि आपकी एक तरह से जो फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच वगैरह, तमाम चीज़ें इसमें लिंक हो सकती हैं आगे जाके, और फिर जस्टिस और सॉलिडारिटी पे सोसाइटी क्रिएट हो सकती है. ठीक है, तो अब वो जो जो भी चीज़ क्रिएट हो रही है उसके पीछे उसने कहा कि देयर इज सम मॉरल फोर्स लिंक करेगी, जैसे कि गॉड हो सकता है. ठीक है, हमारे पास वैल्यूज में दूसरे सोशियोलॉजिस्ट जो आते हैं, जेफरसन कहते हैं, जेफरसन ने जो सबसे ज़्यादा इन्फेसाइज किया था वो यूरोपियन कल्चर्स की बात की थी, और उसने कहा था कि इसके साथ जो एशियन कल्चर है वो डिफरेंट एलिमेंट पे बेस करता है. अब मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर लेता हूँ. इनका पूरा नाम था जेफरसन प्लेंटेला. ठीक है, स्पेल कर देता हूँ, JAFFERSON PLANTELA. ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने जो फोकस किया था ना, जेफरसन प्लेंटेला ने जो फोकस किया था वो किया था डिफरेंस ऑफ यूरोपियन सोसाइटीज़, डिफरेंस ऑफ द वैल्यूज इन यूरोपियन सोसाइटीज़ एंड द एशियन सोसाइटीज़. ठीक है, अब उनके नज़दीक यूरोपियन सोसाइटीज़ आर मोर बेस्ड ऑन इंडिविजुअल्स. ओके, कि इंडिविजुअल थाट, इंडिविजुअल अप्रोचेज, इंडिविजुअल फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये तमाम चीज़ें इसके साथ लिंक हो सकती हैं. ठीक है, बट इफ़ यू टॉक अबाउट द एशियन सोसाइटी, दे आर मोर ट्रेडिशनल सोसाइटीज़, दे आर मोर रिलाइंग ऑन कलेक्टिविज्म, दे आर मोर रिलाइंग ऑन ट्राइब, दे आर मोर रिलाइंग ऑन देयर फैमिली स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग. ठीक है, तो अब हमें क्या समझ में आता है, देर इज, अब वो क्या है, देर इज अ डिफरेंस ऑफ वैल्यूज. अब वही वाली बात जो मैंने जो क्रॉस कल्चर की बात की थी, तो अगर आप उसको जेफरसन प्लेंटेला के साथ लिंक करके डिफाइन करेंगे, दिस विल डेफिनेटली गिव यू गुड मार्क्स. ठीक है जी, तो अब वही वाली बात, क्रॉस कल्चरल वाली बात यहाँ पे हमारे पास सामने आती है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पास जो दूसरे एलिमेंट हमारे पास आते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी में आते हैं, उसमें कस्टम्स आ जाते हैं, जैसे ईद, दिवाली हो गया. ठीक है, हमारे ट्रेडिशंस वगैरह हो गए, हमारे रोल्स हो गए सोसाइटी के अंदर. अच्छा, इसमें जेंडर रोल के अंदर आप जेंडर रोल सोशलाइजेशन की बात कर सकते हैं, कि सोसाइटी के अंदर जो हमारी जो सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी है वो जेंडर रोल सोशलाइजेशन की बेसिस पर है, जो हिस्टोरिकली और क्रॉस कल्चरली चेंज हो रही है. कुछ सोसाइटीज़ में जेंडर रोल्स को डिफरेंट कंसिडर किया जाता है और कुछ सोसाइटीज़ में सिमिलर लेवल पर कंसिडर किया जाता है, इक्वालिटी की बात की जाती है. ठीक है जी, तो यहाँ तक आप सोशल आई होप सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी को अंडरस्टैंड करने में कामयाब हुए होंगे, एंड दिस टॉपिक विल डेफिनेटली हेल्प यू. अगर इसका कोर सवाल नहीं भी आए तो हो सकता है ये कहीं छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकता है, स्मॉल क्वेश्चन जो 4 मार्क का और 8 मार्क का क्वेश्चन है उसमें भी आ सकता है. और इसके अलावा ये जो सवाल है ना, इसका सवाल बहुत, इसका जो कंटेंट है वो बहुत सारे टॉपिक्स में इनकलकेट होगा, तो उसको अच्छे से कर लीजिएगा. ठीक है जी,
अब हम बात करते हैं अपनी अगली चीज़ की तरफ, दैट इज़ ऑल अबाउट, जो काफ़ी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन, और यू कैन से द नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट। ठीक है जी, तो पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ सोशलाइजेशन और या फिर नेचर वर्सेज नर्चर, ये कहानी क्या है, कहाँ से शुरू होती है, किस तरह से क्रिएट होती है, वो तमाम बातों को हम आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो नेचर वर्सेस नेचर की बात आती है वो क्या आती है, वो नेचर वर्सेस नेचर का मतलब है कि ह्यूमन बिहेवियर वो अपनी सोशल इंस्टिंक्ट की बेसिस पे क्रिएट हो रहा है या बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट की बेसिस पे क्रिएट हो रहा है। सोशल इंस्टिंक्ट क्या है कि सोसाइटी जो है, जो इंसान लोगों से सोशलाइज कर रहा है, जो लोगों को देख रहा है, अपनी प्राइमरी सोशलाइजेशन कर रहा है, सेकेंडरी सोशलाइजेशन कर रहा है, उससे इंसान का बिहेवियर क्रिएट हो रहा है या उसका बिहेवियर उसके बाहर उसकी अपने इंडिविजुअलिज्म की बेसिस पे, उसके इंडिविजुअल थॉट की बेसिस पे क्रिएट हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, अब इसी सवाल की बेसिस के ऊपर नेचर वर्सेस नेचर डिबेट क्रिएट होती है। ठीक है, हमारे पास कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो कुछ सोशियोलॉजिस्ट लाजमी ऐसे हैं जो दरअसल नेचर की बात करते हैं और कुछ सोशियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जो नर्चर की बात करते हैं। ठीक है जी, कुछ लोगों ने मेल और फीमेल में डिफ्रेंसिएशन को नेचुरल डिफरेंस कंसिडर किया है, जो कि एक्चुअली वो नेचर की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मेल और फीमेल का रोल एक सोशल एलिमेंट के तौर पर स्टडी किया, डिस्कस किया कि उन्होंने कहा कि भाई ये दिस अ सोशल एलिमेंट, ठीक है, ये सोसाइटी में सोशल इशू है रादर देन अ नेचुरल इशू, कि ये नेचुरल डिफरेंसेस नहीं है, एक्चुअली सोसाइटी इज क्रिएटेड बाय द सोसाइटी देमसेल्फ। ठीक है, तो इस चीज़ को हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सोशलाइजेशन के हवाले से, तो हम जब सोशलाइजेशन की बात करेंगे तो एक मिनट, मैं इसको पार्ट टू में बनाता हूँ।